छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान में अध्याय 4 है, जो राजनीतिक सिद्धांत में सामाजिक न्याय का भाग 2 पढ़ेंगे। अभी तक हमने सामाजिक न्याय के लक्षण देखे थे, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या बातें प्रावधानित की गई हैं। तो हमें पढ़ना है कि संविधान की भूमिका भारत में सामाजिक न्याय अच्छी तरह से कार्य कर सके। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। तो हमारी जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें भी सामाजिक न्याय की अवधारणा का उल्लेख किया गया और सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने की बात कही गई। और हमारा जो मौलिक अधिकार है, उसमें भी सामाजिक न्याय की बात, उसमें भी सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, उसमें भी व्यक्तियों की उपाधियों का अंत कर दिया गया। वो उपाधि क्या होती है? पूर्व में व्यक्तियों को 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो इस प्रकार व्यक्तियों का ये जो 4 उपाधियां थी कि कौन किस में आता है, वो अंत कर दिया गया। और अध्याय 17 ये पहले भी आ चुका है, अनुच्छेद 17 में छुआछूत को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और भी ऐसे अनुच्छेद हैं इसमें सामाजिक न्याय के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं कि संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में कौन कौन से बातें कही हैं जो सामाजिक न्याय को महत्व देते हैं। संविधान में, हमारे संविधान में भारत की समाजवादी धर्मनिरपेक्षता राज्य घोषित करते हुए, ये हमारी प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, जाति, धर्म, वंश, रंग, लिंग आदि में भेदभाव न करते हुए सभी को समान दर्जा देने, योग्यता अनुसार विकास के लिए सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने, समान कार्य करने के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन देना, और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सभी को सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं देने का क्या किया गया है, संकल्प व्यक्त किया गया है। तो अभी और देखते हैं हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ। ये तो था मौलिक। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी व्यवस्था की गई है कि उत्पादन के साधन, भंडारण, वितरण में वर्ग विशेष या व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित न हो सके, इसका संचालन ऐसा हो कि सर्व साधारण के लिए ये क्या रहे, लाभप्रद, मतलब प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ मिलना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक न्याय की भी व्यवस्था की गई है, जो हमारा अनुच्छेद 46 था, उसमें समाज के कमजोर वर्ग को शैक्षणिक, आर्थिक और आर्थिक हितों की विशेष रूप से वृद्धि और उनका सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के जो भी अत्याचार होते हैं उनके शोषण से क्या हो सके, संरक्षण हो सके। भारत में सामाजिक न्याय, ये न्याय के अब हम पढ़ेंगे अन्य आयाम, मतलब किन किन क्षेत्रों में हम न्याय का महत्व बतला सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में। तो आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आर्थिक जीवन का विकास करने के लिए, मतलब अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का अवसर प्राप्त हो, और उनको, जो व्यक्ति मजदूरी करते हैं तो उनको उचित मजदूरी मिले, और ऐसी व्यवस्था हो कि सभी का कल्याण हो। मतलब आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक असमानताओं की अनुपस्थिति और आर्थिक शोषण से क्या है, मुक्ति।
आर्थिक समानता में भी ये भी कहा गया है कि बच्चों, बूढ़ों और जो अपाहिज है उनसे कोई ऐसा काम ना करवाया जाए, मतलब वो बाध्य ना हो कि, या जो चाहते नहीं है ना करें, तो मतलब हमें उनको आर्थिक रूप से उनको मतलब वंचित ना हो। तो हमारे संविधान में बच्चों के लिए भी विशेष स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, वृद्धों को लिए के लिए भी पेंशन मिलती है, अपाहिजों को भी पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार भूखे को भोजन और इस प्रकार सभी को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। तो न्यूनतम मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, विशेष परिस्थितियों में की सहायता पाने का अधिकार हो, समान कार्य करने के लिए समान वेतन, संपत्ति के अधिकार की सीमाएं, सब ये उचित होना चाहिए। और अभी एक नई योजना, अभी मतलब 15-20 साल से चल रही है, ये अंत्योदय योजना, ये अपने मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में शुरू की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीब और साधनहीन व्यक्तियों के लिए आय अर्जित करने के साधन जुटाना, मतलब उनको रोजगार देना, ये था हमारा आर्थिक न्याय। अब हम पढ़ेंगे नैतिक न्याय। नैतिक न्याय में जो हमारे नैतिक गुण होते हैं, सहायता, दया, सहानुभूति, पूर्ण व्यवहार करना, क्षमा, मतलब ये दैनिक जीवन में इन व्यवहार का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो नैतिकता है वो नैतिक मूल्यों पर निर्भर है और इसके आधार पर हम निश्चित करते हैं कि क्या न्यायपूर्ण है और क्या नहीं है। और भी कुछ नैतिक चीजें हैं, वही जैसे सत्य बोलना। तो ऐसे नियम व मूल होते हैं जिनका पालन समाज के सभी लोगों को करना चाहिए, और इस दिशा में राज्य को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही ना पड़ेगी और सबको स्वतः ही नैतिक न्याय। यदि ये सारे गुण व्यक्तियों में रहेंगे तो हमें लगता है न्याय के लिए हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा। फिर है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय है मतलब जो न्याय प्राकृतिक नियमों से आच्छादित हो, निष्पक्षता, तर्कसंगता, औचित्य, ईमानदारी पर आधारित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक न्याय। इसका संबंध हमारा नैतिक न्याय से भी मिलता है। प्राकृतिक न्याय की न्यायालय में मान्यता है, जो कार्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध हो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। आपने स्वतंत्रता वाले पाठ में भी पढ़ा था। तो किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना उसे कोई भी दंड दे दिया जाता है तो वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कहलाता है। न्यायालय क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, लेकिन उसको उचित न्याय मिलना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें जो महत्वपूर्ण, ये आपने अभी नैतिक न्याय पढ़ लिया, अब है राजनीतिक न्याय। तो इसमें ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं कि विभिन्न आयामों को समझाइए। राजनीतिक न्याय में कि सभी को मताधिकार प्राप्त है, एक निश्चित उनकी उम्र कर दी गई, जिससे कि हमारा जो निर्वाचन, मताधिकार, ये सारे सबको, मतलब जो भी वयस्क नागरिक हैं सबको समान रूप से ये राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। इससे हमारे समाज में, हमारे राज्य की शासन व्यवस्था अच्छे से हो सकती है और सभी लोगों का हितों की पूर्ति हो सकती है, और इस प्रकार हम राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं राजनीतिक न्याय। फिर है कानूनी न्याय। कानून सभी को बराबर की नजर से देखता है और राज्य में जो सत्ता का आधार ही क्या है, कानून। तो पहला, न्यायपूर्ण कानून का निर्माण। राज्य द्वारा निर्मित कानून सामाजिक मान्यताओं तथा नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित हो। दूसरा, कानून के रूप में न्याय अर्थात कानून के समक्ष समानता की व्यवस्था की जाए। इसमें कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिना भेदभाव के कानून का
संरक्षण सभी को मिले और दंड देने की व्यवस्था भी ये अपने भारत देश में है, चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको समान रूप से, यदि वो अपराधी है तो उसको समान रूप से दंड दिया जाता है, उसमें कोई भी पक्षपात नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार ये हुआ, इसका जो थर्ड पार्ट है वो अगले उसमें हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।